Yo, welcome to the vlog everyone. I hope you guys are doing absolutely well. आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद न्यू व्लॉग. और हम निकल पड़े वापस एक बार, पर ये मोटर व्लॉग नहीं है, डोंट वरी. ये तो मैं ऐसे ही शूट कर रहा हूँ बिकॉज मन था कि GoPro को कैमरे लगाओ क्योंकि ढंग का दिखता है, अच्छा लगता है. वैसे हम जा रहे हैं, आज टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा, तो हम लोग जा रहे हैं पाठ पूजन के लिए बॉयज एंड गर्ल्स. और सामने का टायर में हवा नहीं है, पंक्चर है वो मुझे नहीं पता, बट फिलहाल तो मुझे उधर पहुंचना है, तो मैं पहले तो उधर हवा भर के यहाँ से निकल पड़ूंगा, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है और क्या शॉट है. रेडी हो जाओ सब लोग क्योंकि आज का दिन होने वाला है बहुत एनर्जेटिक. उसमें भी मेरा पेट खराब है यार, क्या बोलने का. कल रात को मैंने पुदीने की चटनी खाई और दिमाग का दही हो गया भाई. चटनी पुदीने की खाई, दही दिमाग का हो गया. पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी कुछ गोली बिली लूंगा कोई तो भी. मेरे को आज रात को नाचना भी है पर व्हाटएवर इट इज, देखेंगे रात को और मिलते हैं. अभी तो मैं निकल पड़ा हूँ और मिलता हूँ मैं आपको कुछ ही समय बाद, क्योंकि मुझे गाड़ी में भी थोड़ा काम करवाना है. गाड़ी का टायर गया है, मतलब गया नहीं है, पंक्चर हुआ है. तो वो भाई देख रहे हैं कि गाड़ी का टायर, कुछ तो करेंगे, लेट्स सी. मेन स्टैंड तो है नहीं, वहाँ पे पंक्चर अपने को पड़ गई है BT. अभी थोड़ा लेट होगा पर ठीक है, लेट नहीं, पंक्चर निकालने का, ट्यूबलेस टायर है, निकल जाएगा 2 मिनट में पंक्चर. ठीक है, पंक्चर निकालते हैं फिर चालू करता हूँ मैं वापस से. ठीक है, चालू होते हैं मतलब ये BT है भाई, ब्लॉक चालू होते हैं. बैक ऑन ट्रैक, पंक्चर निकाल दिए, अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए. और बहुत गर्मी हो रही है भाइयों, और मेरे जैकेट के अंदर थर्मल भी है तो डबल गर्मी हो रही है. तो अभी मैं निकल रहा हूँ फास्ट, थोड़ा हवा खा लूँ, अच्छा लगे थोड़ा. हाँ, अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा सा. वाह, हराम ज़्यादा नोविदा लेके गया था गाड़ी, और मेरे को नहीं पता था गाड़ी पंक्चर है. मैं डायरेक्ट निकल रहा था गाड़ी लेके, पर गाड़ी निकली पंक्चर. गाड़ी जब स्टार्ट की तभी मेरे को पता चला, थोड़ा देर चलाने के बाद कुछ तो गड़बड़ है दया, गाड़ी गुड़गुड़ इधर उधर कर रही है थोड़ा. तो फिर मैंने रुक के देखा तो पंक्चर निकला, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार. निकल चुके हैं हम हमारे बप्पा के लिए वापस एक बार, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और फुल राडे करेंगे. ये मोटर व्लॉग नहीं है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा यहाँ से. वो जो सामने दिख रहा है वो बंदा जो स्कूटी पे भाग रहा है, इतना इरिटेटिंग बंदा है ना वो, इतना मेरी स्पीड देख रहे तुम, 93 है. ठीक है, अभी देखो मत, वो इतना इरिटेटिंग है ना, मैं उसको छोड़ के 10 बार पीछे जा चुका हूँ. ठीक है, अभी वो आएगा देखो, धतिंग करते हुए जाएगा. मैं स्पीड कम कर दे रहा हूँ, मेरे को नहीं करनी है इसके साथ कुछ भी, मतलब ये रेस भी, लेकिन वो जाएगा देखो कैसे धतिंग करते हुए. अभी भाई माँ कसम भाई, इतना इरिटेट होता है ना स्कूटी पे, 90 स्पीड बहुत घात के. उसके किंचू से पहिए, ये गया फिर से गया, इतने से पहिए, और वो सिग्नल पे रुकता नहीं है. और ऊपर से वो देखो, अलग ही शौक है भाई भाई के. शीश, बच न्यूट्रल पे गई गाड़ी अचानक, जाने दो बाबा, उसके साथ कौन धतिंग करेगा. एक तो अपनी गाड़ी वन साइड, मेरी गाड़ी भागने के लिए 150 भागेगी बे, पर 170 भागे, 164 मैक्स गई थी, भागेगी चलो, और ये 120 पे अगर कधर अल्टी पल्टी हो गया तो कौन जिम्मेदारी भाई. मरने दो भाई, मेरे को क्या है भाई, उसके लेवल पे जाए वो, अपन शांति से जाते. ये देखा, आ मेरी जैन. हेलमेट देखना है मेरे को कौन से कंपनी का है. मेरे को ऐसे स्कूटी वालों पे आक्षेप नहीं है, बट स्कूटी चलाओ ढंग से चलाओ. हाँ, मोती कंपनी का हेलमेट है गाइस, बहुत जानी मानी कंपनी है. और वो हेलमेट का दुकान है देखो ये बाजू में, ये रहा PUC का शॉप है ना, उसके उधर ही मोती बाबू मोटर से. देखो इसको भाई, यही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या ही तो राइडिंग कर रहे हैं भाई लोग. वाह बाबू वाह. कोई ना, मैं ये सिग्नल पार करता हूँ, उधर पहुँचता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्दी. घर के पास आया हो गाइस, और बारिश देखो कितनी चालू हो गई है अचानक. काम 25 ना मेरी घूम, क्या है देखो सेटअप, देखो पीछे से बाबा, हाई तो सेटअप डेंजर काम के. अरे ये सही फूल के भाई, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो हलो वाटलेलं तरी तो असणार इथे तो आहेच.
रहा, थोड़ा उधर से काम करके यहाँ पे आया हूँ खाने। यहाँ पे रावस पकोड़े मिलते बचपन से, मतलब बचपन से हम लोग पहले तो पहले अलग जगह पे था, ये मेरा बचपन का दोस्त है, अच्छी लाइकी में है, ये बहुत लेट आया है। ठीक है मैं तुमको दिखाता हूँ, ये रावस एकदम ज़बरदस्त। ये रहे पकोड़े बिराड़े। अभी थोड़ा रुको गाइस, थोड़ा खाता हूँ, फिर पहला पेट पूजा फिर काम पूजा। आए तो थे लेकिन टाइम पास कुछ हुआ नहीं, और मतलब टाइम पास करने नहीं आए, लेकिन ये टी शर्ट पसंद आया है, देख रहा हूँ अगर पहन के अच्छा लगा तो डन सीन है, और ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, आते समय देखते हैं अगर ये अच्छा लगता है ना तो ले रहा हूँ। सर टी शर्ट लिया जाते हैं, देखो कैसा देखो, ये बर्फ लटे प्रकट है, कैसा लग रहा है देखो, अच्छा लग रहा है, डन कर भाई लोग, यही टी शर्ट लिए और यही एकदम सेक्सी लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है, तो यही टी शर्ट पहन के मचाते हैं, थोड़ा डांस वांस थोड़ा ये वो सब कुछ शूट करूँगा, मिलता हूँ। बादशाह बोले जाते हैं बहुत बड़े, लेकिन दिख रहे एकदम खंगे माफी, लेकिन क्यों उसे बादशाह बोलते मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग आए और पीछे खरा जवान जो है वो पीछे है, और ये लड़के लोग आए हुए हैं हमें मतलब लेने के लिए। मैं चुप गया था, घूम गए, रोने लगा था मैं, अभी ये लोग आए तो मैं ज़रा शांत हो गया, तो आगे देखते हैं अभी पार्ट टू जन सोहरा कैसे होने वाला है, मज़े लेते हुए। और वो बैनर लगाए वो बताओ, वो बैनर भी लगाए श्रीमान का किधर, वो भी दिखाता हूँ आपको, रुको। Thank you.
देखो हम लोग को बाहर निकलने नहीं मिल रहा था करके गल्ली बोर्ड पकड़ा है, तो गल्ली बोर्ड से अभी बाहर निकल रहे। करनो भाई आपको क्या कहना है इस चीज़ को? गाइस मैंने ना एक चीज देखी है, ये श्रीमान के चाहने वाले और श्रीमान फैमिली अच्छा अच्छा गल्ली बोर्ड ले बोलकंडे से भागने पड़ता है, मतलब वो चाय पीने जा रहे हैं और उधर कुछ है कार्यक्रम, वो जाओ मत जाओ मत, लेकिन अभी तक जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम है 100%। अभी जा रहे चाय पीने, चाय पी के ये लोगों का प्यार और इधर का डेंजर है ना, एकदम डेंजर है। आई लाइक इट बिकॉज आई एम घालिंग कैप। मुझे इतनी सेवा मेरे घर पे भी नहीं मिलती। मैं खुद की खुद खिड़ची लेता हूँ, खिड़ची खुद की खुद की खुद खिड़ची लेता हूँ, खिड़की लेता हूँ। अरे तू सोच ना, ये देखो गाइस ये हो गया पागल, ये हो गया इसका स्क्रू एक गिरा है, आड़ जोड़ कुछ भी कर रहा है। ये क्या किया मैंने, बॉडी गार्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या कर रहे भाई, ये क्या बन रहा है बॉडी गार्ड लवली सिंह मैं आता ना। गाइस करनू भाई निकले डेविल निकला, अभी टाटा कर दो गाइस, बाय 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 बाय। शायद से ये व्लॉग भी इधर ही एंड हो सकता है। नहीं ये कंटिन्यू करने वाले हो? कंटिन्यू हम एंडिंग के लिए आए हैं। नहीं अभी नहीं। मूवी में नाम कैसे आते लास्ट को, वैसे हम बोलने के लिए आते हैं। ठीक है, शिवाजी महाराज की जय। चलो बाय, चलो बाय बाय गाइस। अभी जस्ट खाना खाया हूं और गेस व्हाट, मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूं, जो अपनी पूरी गैंग गाड़ी लेने वाली हूं मैं वो गाड़ी चला रहा हूं, जिसका नाम है हिमालय। और मैं थोड़ा हिमालय का राउंड लेने इधर आया हूँ। लेट्स सी हिमालय कैसी गाड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। एक सेकंड दीजिए मेरे को बस, मिला ना मेरी जी यार, गाड़ी तो है वे, गाड़ी तो है, रूपा गाड़ी, एक नंबर गाड़ी, मतलब
भाई भागती भी है ऊपर से और सैडलिंग भी कर सकते हैं इस पर, एकदम प्रॉपर सैडलिंग मुझे एकदम, मतलब सैडलिंग में अभी अभी वर्ड सीखा हूँ इसके लिए मैं यूज़ करूँ, सैडलिंग ही बोलते हैं ना वो खड़ा रहने को बाइक पे शायद, बट मज़ा आ रहा है, गाड़ी बहुत रावस बहुत अच्छी गाड़ी, मज़ा आ रहा है चलाते हुए और कम्फर्ट इतना है ना सीट पर इतना कम्फर्ट है कि बोर नहीं होगा गाड़ी चलाते हुए, इतनी प्यारी गाड़ी है, मेरे को अच्छी लगी ये गाड़ी सच में। अगर फ्यूचर में सोच सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि अपनी सारी गैंग हिमालय ले रही है तो बेबी लेट्स सी, ठीक है मिलते हैं बेबीज एंड बॉयज।